Hello everyone, today we will solve exercise 1.3 और 1.3 में क्वेश्चन 5 से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5 टू 9। इससे पहले 1 टू 4 मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, है ना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो अगर 1 से 4 तक किसी को करने हो तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 5 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और इसको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है जो उसके लिए सूटेबल हो, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका है 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36। चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये था 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36। तो देखो सबसे पहले तो इसमें देखो माइनस 48 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो हमने माइनस 48 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा ब्रैकेट में 26, यहां से 26 प्लस माइनस 36। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी ब्रैकेट के बाहर, हमने पढ़ा ए क्रॉस बी प्लस सी या ए इंटू बी प्लस सी, क्या होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां आप लिखोगे कौन सी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना बहुत है, वो लिखने जरूरत नहीं, ओवर एडिशन ऐसी कोई जरूरत नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर ले रहे हैं, इससे क्या हो कैलकुलेशन इजी हो गया। इट इज इक्वल टू माइनस 48 तो ये है ही, इन टू ब्रैकेट में क्या हो गया 26 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 36। इट इज इक्वल टू माइनस 48 इन टू 26 में से माइनस 36 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 10 का मल्टीपल तो आप लोग सब जानते हो अच्छे से, तो प्लस के 480। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। ये सेकंड पार्ट है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो 8 का मल्टीपल अगर 125 में करें 1000 आ जाता है। तो हमने इसको क्या लिखा, ये ऐसे लिख लिया 53 इंटू 8 इंटू माइनस 125। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान होगा a इंटू बी इंटू सी को हम चाहे पहले a इंटू बी कर लें, b प्लस सी क्रम चेंज कर लें, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा किस प्रॉपर्टी से लिखा हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर रहे हैं, ओके। प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखोगे, अब बाकी बस सिंपल सवाल रह गया, मल्टीपल करना है 53 इंटू 8 का माइनस 125 में मल्टीपल करोगे, देखो 8 फाइव जा 40 कैरी 4 सॉरी 8 टू 16 ऑफ 4 28 बन जा 1 और 10, तो 1000 आ गया। 1000 का मल्टीपल करना हम जानते हैं, 53 के आगे 30 और माइनस में है तो माइनस 53000 माइनस 53000। तो इट इज द सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट। एंड द सी पार्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10। तो इसमें हमें 15 इंटू ये करना है, ये इंटू ये करना है, तो इसमें भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे, पहले हम इन दोनों का मल्टीपल कर रहे हैं, है ना। तो माइनस 15 इंटू माइनस 4, 15 4 जा कितना, तो 100, तो यहां लिख दिया 100 इंटू माइनस 10। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लेना आप, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब 10 का मल्टीपल हम जानते हैं आराम से मल्टीपल करने हैं, ये कितना हो गया माइनस के 1000, और 1000 का 15 में करेंगे माइनस का, तो माइनस के 15000। इट इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नाउ डी पार्ट, एंड द पार्ट इज माइनस 41 इंटू 102। तो हम क्या करें, इंटू 100 को हम ले सकते हैं, 100 प्लस 2, आपको समझ में आ गया, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे प्लस ये, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख लेना, मैंने लिखने छोड़ दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब माइनस 41 का 100 में मल्टीपल करेंगे, तो माइनस 41 इंटू 100 प्लस माइनस 41 इंटू 2, इसका मल्टीपल करा तो माइनस 4100 और माइनस 2 1 2 82, तो कितना आ गया माइनस 4182। तो इट इज द
answer, -4182. Okay, now next part, and the E part is 625 into -35 plus -625 into 65. So there was 625 hai, to pehle isko common le lo. 625 humne common le liya, to yahan kya bacha, -K35 plus ye 625 plus ka bhaj chala gaya, to -K1 bacha into 65. Fir next step mein kya hoga, -35 65 ka -65. अब ये ब्रैकेट में बाहर हो, इनटू अंदर में प्लस हो या माइनस में, दो टर्म के बीच में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अगेन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. तो यहां लिख दो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देना. अब बस हो गया, ये कितना हो गया, 625 इनटू -35 -65 -K100. तो देखो इजी हो रहा है कैलकुलेशन, क्या हुआ 100,000, 10 ऐसे आ रहा, जीरो का मल्टीपल कर हम जानते ही हैं, तो हो गया -K625 00 यानी कि 62,500. ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट, एंड दैट पार्ट इज 7 × 50 -2. यहीं क्लियर हो गया, 7 में इसका मल्टीपल करना है, फिर माइनस करके इसमें मल्टीपल. तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहीं लिख दो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना. करो तो 7 × 50 - 7 × 2, तो ये कितना हो गया, 350 - 14. 350 में से 14 गए, तो 336. इट इज द आंसर ऑफ एफ पार्ट. नाउ वी विल सॉल्व जी पार्ट, एंड जी पार्ट इज -17 × -29. अब देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो 29 को हम 30 प्लस वन ले सकते हैं, -29 को क्या ले सकते हैं, -30 + 1. तो ये करते हैं, पहले हम ब्रेक कर ले से, -17 तो है, इनटू इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, -30 + 1. -30 + 1 क्या हो गया, 29. और ब्रैकेट में एक भार संख्या अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सही सोच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो नाउ वी विल यूज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना. तो ये देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा सवाल, तो क्या होगा, -17 × -30 + -17 1 है तो (1), माइनस माइनस प्लस होता है, और 73 + 51 तो 510, और -17 510 में से 17 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 493. Now last part of question number 5, H part, and the H part is -57 × -90 + 57. ये भी 57, ये भी 57 हुई, तो common ले लें. तो सबसे पहले हमने plus के 57 common ले लिया, जब plus के 57 common लिए तो यहाँ -1 बचा into -19. आप direct लिख सकते हो, मैंने आप समझाने के लिए लिखा है, आप direct +90 लिख सकते थे ना, मैंने समझाने के लिए लिख दिया है. अब minus into minus क्या होता है, 90 का माइनस, और माइनस में मल्टीप्लाई प्लस के 19 + 1. ओके, और 90 + 1 किसके इक्वल, हाँ अब ये कैसे है, वैसे कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर मल्टी अलग अलग करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, अब 57 19 + 1 20 होते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं, 2 7 14, 2 5 10, और 1 और 0 का 0, तो आंसर इज 1140. ओके, तो मुझे उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन को फाइव से समझ में आ गया, सिंपल था, बस मेन चीज थी अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने हैं वो लिखना है. इसमें हमने एक वीडियो डाला था प्रॉपर्टी के बेस पर, है ना, ध्यान होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा दोबारा से, प्रॉपर्टी वाला दो वीडियो थे, है ना, और वरना प्ले लिस्ट में दे सकते हैं, Part 1 Part 2 करके, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इस नाम से, है ना. चलिए नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन 7 इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 marks are awarded for every correct answer. जितने भी correct answer देगा उसका हर each question पर 5 marks मिलेंगे. And -2 marks are awarded for every incorrect. और incorrect के लिए -2 marks मिलेंगे. है ना? And 0 for question not attempt. अगर कोई question attempt नहीं करता इसको कोई marks नहीं है, 0 रहेंगे. तो Mon gets 3 parts हैं. पहला, Mon gets 4 correct and 6 incorrect answer. What इज हिज स्कोर, इसका स्कोर क्या है, कितने करेक्ट दे रहा है, 4 correct and 6 incorrect. चलो करते हैं, तो इसने 4 correct दिए, तो मार्क्स अवार्डेड फॉर 4 correct
आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए से मिलने 5 मार्क्स, तो 4 के लिए कितने मिलेंगे, 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स, 20 मार्क्स तो उसको करेक्ट के लिए मिले। फिर कितने इनकरेक्ट दिए थे इसने, 1 gets 4 correct and 6 incorrect, तो 6 incorrect के लिए अब मार्क्स अवॉर्डेड निकाल लो। तो मार्क्स अवॉर्डेड कितने अवार्ड हुए, मार्क्स अवार्ड फॉर 6 incorrect, एक इनकरेक्ट पर -2 मार्क्स हैं, तो 6 के लिए 6 × -2 = -2 × 6 -12 मार्क्स, 20 मार्क्स मिले, 12 मार्क्स कट गए। तो इसका स्कोर कितना हुआ, तो मोहन स्कोर इज, हमें स्कोर ही निकालना था फाइनल, तो मोहन स्कोर इज 20 मार्क्स मिले हैं, उसमें से हमने जितने कट गए माइनस कर दें, तो 20 में से 12 सेपरेट करें तो 8 मार्क्स, तो मोहन का फाइनल स्कोर कितना रहा, 8 मार्क्स। नाउ सेकंड पार्ट, इसी तरह का एक सेकंड पार्ट है, चेक करते हैं देखो क्या है। रेशमा गेट्स 5 correct answer and 5 incorrect answer, व्हाट इज हिज स्कोर, चलो करते हैं। तो ये आ गया, रेशमा गॉट 4 correct answer, 5 correct दिए, एक के लिए 5 मार्क्स, तो 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए उसे 25 मार्क्स मिले, और जो इनकरेक्ट दिए हैं इनकरेक्ट भी उसने 5 दिए हैं, तो रेशमा गॉट फॉर इनकरेक्ट आंसर या 5 incorrect answer, ऊपर लिख सकते हो 5 correct answer, तो -2 × 5, एक इनकरेक्ट पर -2, तो 5 पर कितने हो गए -10 मार्क्स, है ना। तो रेशमा का स्कोर क्या हुआ, यानी कि टोटल में से जितने मिले और जो कट गए उसको हम माइनस कर दें, तो 25 - 15, तो रेशमा स्कोर (25 - 10) = 15 marks, तो रेशमा का स्कोर हुआ 15 marks। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है, हिना गेट्स 2 correct and 5 incorrect answer आउट ऑफ 7, 7 क्वेश्चन दिए, 5 incorrect हो गए, 2 correct हो गए, ओके ठीक है। तो सी 7 questions ने अटेम्प्ट करी, तो व्हाट इज हर स्कोर, सेम इसी तरह से चलो ये भी करते हैं, सिंपल है। थर्ड पार्ट, हिना गॉट फॉर 2 correct answer, 2 correct दिए, तो एक पर 5 मार्क्स मिले, तो 2 पर कितने मिले, 2 × 5 यानी कि 10 मार्क्स, 10 मार्क्स मिले। और हिना गॉट फॉर 5 incorrect answer, एक पर -2, तो 5 पर 5 × -2, तो -10 मार्क्स, 10 मिले, 10 कट गए, 0 हो गया, है ना। तो हिना स्कोर क्या होगा, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि 0, तो हिना का फाइनल स्कोर हो गया 0। तो मुझे उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसके 6 रह गए क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया 6, ओके वो उसको मैं अभी कर दूंगा, ठीक है ना। 7 का 6 रह गया, 13 फ्रीजिंग पॉइंट, चलो इसके बाद हम 6 करते हैं ना, मिस्टेक बाई मिस्टेक 6 रह गया था, अब 6 करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर फ्रॉम 40 degrees Celsius, यानी कि प्रेजेंट में कितना टेम्परेचर रूम का 40 degrees Celsius, किस रेट से कम हो रहा है, एट द रेट ऑफ 5 degrees Celsius एवरी आवर, यानी कि हर एक घंटे बाद 5 degrees Celsius टेम्परेचर कम हो जाता है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 hours आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, सिंपल सवाल है, करते चलो। 7 कर लिया था ना, तो 6 बोलिए तो 6 अप कर देते हैं। तो इसमें दे रखा है टेम्परेचर ऑफ रूम, प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है 40 degrees Celsius, जब हमने प्रोसेस स्टार्ट करा उससे 10 घंटे बाद हमें बताना है कितना टेम्परेचर होगा। तो इसमें रेट ऑफ दे रखी है डिक्रीजिंग की रेट, या मैंने ऐसे लिख दिया डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आर इक्वल टू 5 degrees Celsius, या आप ये भी लिख सकते हो रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इज 5 degrees per hour। अब 10 घंटे बाद कितना कम हो जाएगा, 10 × 5, है ना। तो डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर कितना कम हुआ, यानी कि डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर इन 10 hours, 10 hours में कितना कम हो जाएगा, एक घंटे में 5 degrees Celsius, तो 10 hours में कितना कम हो गया, 50 degrees Celsius कम हो गया, 40 था 50 कम हो गया, तो कितना रह गया,
40 में से 50 को सबट्रैक्ट कर दे, बस ये आंसर हो जाएगा। तो लिखो टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आर टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आर इज इक्वल 40 डिग्री था, 50 कम हो गया तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस के सॉरी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो सिक्स था, सेवन हम कर चुके हैं ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया, सिंपल था। रूम का टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, हमें यह भी दे रखा है हर घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे बाद कितना कम हो जाएगा? 5 × 10 यानी 50 कम हो जाएगा। 40 है, 50 कम हो गया तो 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर जाएगा? 40 में से 50 को माइनस कर दें, 40 माइनस 50 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ पीवी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पहले तो क्वेश्चन ये रहा 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। अगर व्हाइट सीमेंट पर बोरी बेचती है तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। अगर ग्रे सीमेंट बेचती है तो पर बैग उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो हमें बताना है 3000 हमने बेचे व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के, तो हमें कुल मिलाकर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? सिंपल है, करते हैं चलो। ओके, तो ये गया 3000 उसने क्या बेचे व्हाइट बैग के सीमेंट, तो प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट बैग, एक बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट, तो 3000 पर 8 से मल्टीपल कर दें 24000 रुपीज का प्रॉफिट। और 5000 ग्रे सीमेंट बेचा और ग्रे सीमेंट पर एक बैग पर नुकसान हो रहा है 5 रुपए का, तो लॉस ऑन 5000 ग्रे सीमेंट क्या होगा, 5000 × 5, तो ये हो गया 25000 रुपीज का लॉस। प्रॉफिट हो रहा है 24000 का, लॉस हो रहा है 25000 का, तो ओवरऑल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस टोटल लॉस क्या निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो टोटल लॉस, तो कुल लॉस कितना हुआ उसे, टोटल लॉस इज 25000 में से जो लॉस हुआ है प्रॉफिट को सबट्रैक्ट कर दें, तो कुल मिलाकर लॉस आ गया 1000 रुपीज का। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, है ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है, दिखाता हूं मैं आपको, ये गया सेकंड पार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, हमें बताना है कितने व्हाइट सीमेंट बैग उसने बेचे सीमेंट के। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6400, तो ग्रे बैग की सीमेंट कितनी बेच रहा है वो, 6400। तो पहले हम लॉस निकालने, एक बोरी पर बैग पर हमें 5 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 6400 बैग पर कितने लॉस होगा 5 से मल्टीपल करके, चलो करते हैं। तो लॉस ऑन 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स कितना होगा, एक बैग पर 5 रुपीज का, तो 6400 में 5 से मल्टीपल करा और मल्टीपल करके आया 32000 रुपीज। अब कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए इतना तो लॉस हो गया, तो उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, इतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो लिखेंगे फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमें, प्रॉफिट विल बी रुपी 32000, क्योंकि 32000 का लॉस हो रहा है, तो इतना ही प्रॉफिट होगा, तब जाके हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये पूछा नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट जो है कितने बैग्स वो सोल्ड करेगा, तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, टोटल प्रॉफिट कितना है 32000 का, उसमें डिवाइडेड कर दे किससे, एक व्हाइट सीमेंट बैग से बेचने पर हमें जितना प्रॉफिट होता है, और वो फिल्म में दे रखा था एक व्हाइट सीमेंट पर कितना रुपए का प्रॉफिट था, 8 रुपीज का। तो अगर 8 से हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ प्रॉफिट, वो सॉरी नंबर ऑफ बैग्स निकालेंगे व्हाइट सीमेंट के कितने सोल्ड होंगे, तो एक कैंसिल हो गया 8 × 4 = 4, तो 4000 आ गया। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड 4000 बैग्स।
है ना, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल अच्छा सा क्वेश्चन था और सिंपल भी था, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर्स टू मेक इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ब्लैंक में ऐसा नंबर इंटीजर भरना है जिससे कि इक्वल आ जाए, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी कि इक्वल के 27 आए। फर्स्ट में -3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 27, 5 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल -35, फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -8 इक्वल टू -56, फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -12 इक्वल टू 132। हालांकि सब जानते हैं, पता चल जाता है यहाँ तुरंत क्या आएगा, -20 -100 प्लस है तो माइनस का आएगा, 9 का -9 आएगा ना। चलो कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं, चलो करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके सीधे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज -3 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल हो रहा है इक्वल 27। तो साफ साफ दिख रहा है -9, लेकिन आएगा कैसे। मान लो सपोज यहाँ पर x है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या होगा 27 अपॉन, ये डिवाइड हो जाता है नीचे, -3 से ना कैंसिल हो गया और माइनस के सिंबल ही, तो x इज इक्वल -9। और जब एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं बार आप सॉल्व कर लो या ओरली हो जाते हैं तो -3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, माइनस का प्लस में आ गया तो क्लियर हो गया, माइनस की नंबर आएगी। अब 3 का डिवाइड 27 को, तो 3 9 जा, तो डायरेक्ट हो सकता है -9, तो आएगा -9। ओके, इसी तरह बी पार्ट, और बी पार्ट में हमें दे रखा है 5 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इट्स इक्वल -35। अब इसको ऊपर की तरह कहें, देखो एक प्लस है और दो ही नंबर है, माइनस मारते तो क्लियर हो गया माइनस आएगा, है ना। अब 5 में किससे मल्टीप्लाई कर 75, यानी कि 5 का मल्टी डिवाइड कर दो 75 में, 5 7 जा, तो ये क्या हो गया -7, या जो मैंने ऊपर करा है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सी पार्ट, इसमें बाद वाला नंबर ब्लैंक था, इसमें पहले वाला ब्लैंक है, वो तो एक ही बात है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -8 इट्स इक्वल -56। चलो इसको मैं करके दे देता हूँ। मान लो इसमें x है, तो कोई x वैल्यू निकालनी, तो x इक्वल टू क्या जाएगा -56, ये तो मालूम है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो अपॉन -8, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कहते हैं 8 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 7। बात समझ में आ रही है ना। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, लास्ट पार्ट डी पार्ट, और डी पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -12 इज इक्वल 132। तो ये माइनस का है, आंसर आ प्लस में, तो समझ में आ गया माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का तो नंबर होगा, फिर क्या बताया था 12 का डिवाइड कर दो बस इसमें, तो 12 वन जा 12 और 12 वन जा 12, यानी कि -11 आएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले वाले क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो पहले के क्वेश्चन उसमें है ना, तो आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और जब तक छुट्टियाँ चल रही हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है सिलेबस को हम कवर करते हैं। कोशिश है हमारी कि 14 तारीख तक 4 चैप्टर हो जाएं, है ना, कितनी तारीख होगी 5 हो गई आज, तो 9 दिन बचे हैं, तो कोशिश ही करेंगे कि 14 तक हम 4 चैप्टर पूरा कर दें, फिर आगे देखते हैं कितने होते हैं। ओके, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं, अपना कोर्स कंटिन्यूस प्राइक करें और कोर्स को खींचे आगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।